अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है फिर भी आपके चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे, अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं है या फिर टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है या फिर आप गलत टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं तो भी आपके चैनल पर व्यूज नहीं आने वाले हैं। तो आखिर पता कैसे करें इन चारों में से कौन सी प्रॉब्लम आपके चैनल पर आपकी वीडियोस पर है? तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप YouTube स्टूडियो ऐप की मदद से पता कर सकते हैं इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आपके चैनल पर है, ताकि आपको प्रॉब्लम पता लग जाए और आप उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर सकें और अपने वीडियोस को ग्रो कर सकें और अपने वीडियोस को वायरल भी कर सकें। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, इन चारों प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन चारों प्रॉब्लम्स के बारे में डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी कि इस तरह से आप इन चारों प्रॉब्लम्स को सुधार सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता लग जाता है कि इन चारों में से कौन सी प्रॉब्लम आपके चैनल पर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आपके चैनल पर आ रही है, ताकि मैं उस पर सबसे पहले वीडियो बना सकूं। तो चलिए प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन के लिए आपको अपने YouTube स्टूडियो ऐप में जाना है। एनालिटिक्स वाले सेक्शन में आपको रीच का एक बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको इंप्रेशंस वाला एक सेक्शन मिलेगा, उसको आपको साइड में स्वाइप करना है। वहां पर आपको इंप्रेशंस क्लिक थ्रू रेट दिखेगा एंड उसका परसेंटेज दिखेगा। अब आपको इस परसेंटेज के साथ ही देखना है, अगर ये परसेंटेज आपका 4% के आसपास आता है या फिर 4% से कम है, 1 या 2% है या फिर 3% है या फिर 0.5% है, मतलब 4 से कम है या फिर 4 के आसपास है, 4.1 है, अगर ये है तो आपके चैनल पर थंबनेल में आपके प्रॉब्लम है। लोग आपके वीडियो पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, आपके थंबनेल में प्रॉब्लम है, आपको थंबनेल इंप्रूव करने की जरूरत है और इस पर वीडियो तो आने ही वाली है, तो आप उसके लिए वेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये 4 या 5% से ज्यादा है, मतलब आपके थंबनेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपका थंबनेल अच्छा है, तो आपको थंबनेल से रिलेटेड कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम आपके कहीं और है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए आपको एंगेजमेंट वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर वॉच टाइम को आपको साइड में स्वाइप करना है एंड वहां पर आपको दिखेगा एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगर शॉर्ट वीडियोस आप बनाते हैं तो ये 10 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो ये एटलीस्ट 40 से 50% के बीच में होना चाहिए। अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो ये 4 से 5 मिनट एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं आप तो आपका ये 10 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये है, इनमें से ये कम है, 10 सेकंड से कम है शॉर्ट वीडियोस वालों के लिए या फिर लॉन्ग वीडियोस वालों के लिए 40 से 50% से कम है, तो आपके वीडियोस में प्रॉब्लम है, आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है ज़्यादा, तो आपको वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने की और ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। ये कैसे कर सकते हैं इस पर भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। थर्ड प्रॉब्लम SEO से रिलेटेड है, तो ये शॉर्ट वीडियोज वालों के लिए नहीं है, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ लॉन्ग वीडियोज वालों के लिए है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज में कोई भी SEO की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड अगर आप एक लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो ये पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको रीच वाले सेक्शन में इस सेक्शन को देखना है एंड यहाँ पर YouTube सर्च अगर 40% से ज़्यादा है तो फिर ठीक है, आपका SEO भी ठीक है। लेकिन अगर ये 40 से कम है, 35% भी है या फिर 30% भी है, तो आपके SEO में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको SEO इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये 40% से कम है तो आपको SEO इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको SEO पर काम करने की जरूरत है। एंड जरूर नहीं आपके पास एक ही प्रॉब्लम हो, इन चारों प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपके पास और एक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रॉब्लम आपके चैनल पर है सभी को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपका चैनल ग्रो हो पाएगा, आपके वीडियो पर व्यूज आ पाएंगे। तो SEO से रिलेटेड भी वीडियो आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4th है टॉप YouTube सर्च टर्म से रिलेटेड। आपको रीच वाले सेक्शन में ही ये सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ टैग्स दिए होंगे या फिर कोई टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि आपके चैनल के सबसे ज़्यादा वायरल टॉपिक्स हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं आपके चैनल पर पहले से ज़्यादा व्यूज आएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लाखों व्यूज आएंगे, 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आपके चैनल पर ये ग्रोइंग टॉपिक है, तो अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं तो अगर आपके 10 से 20 व्यूज आते हैं तो आपके 50 व्यूज या फिर 60 व्यूज भी आ सकते हैं अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके वीडियो के सबसे ज़्यादा वायरल टॉपिक है। तो आपको इन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है एंड इन टॉपिक्स को आपको अपने टैग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सभी में इस्तेमाल करना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज आएंगे। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4th थी। आई होप आपको सभी प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी एंड इनमें से जो भी आपके चैनल पर प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं सबसे पहले उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, जो आप के चैनल पर सबसे ज्यादा मुझे मिलेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी पर डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, कमेंट जरूर करना कौन सी प्रॉब्लम आपके चैनल पर है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।